इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आप जर्मन प्रोनासीशन बिल्कुल मास्टर कर सकोगे और एक नेटिव जैसे जर्मन बोल पाओगे अगर आप उन सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे चलो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं लोगों की तरफ से जो बहुत सालों से जर्मन सीख रहे हैं और उनका दिक्कत हमेशा एक जैसा है वो एग्ज़ाम्स को पास कर पाते हैं उनको सर्टिफिकेट्स मिल रही है और उनको लगता है मैं बहुत सक्सेसफुल जर्मन लर्नर हूँ मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन जब असली ज़िंदगी में उनको अपनी जर्मन का इस्तेमाल करना है उस टाइम वो बिल्कुल फ़ेल हो जाते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं लोगों को मतलब नेटिव लोगों को समझ में नहीं आते हैं और एक्चुअली उन खुद को नेटिव्स नहीं समझ में आते हैं और उसका कारण है कि लोगों ने सही जर्मन प्रोनाशिएशन पर ध्यान नहीं दिया है लेकिन एक भाषा सीखने का क्या फ़ायदा है अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा बाद में और अगर जो लोग बोलते हैं आपको समझ में नहीं आएगा हमारा भाषा सीखने का इरादा सिर्फ़ ये ही है कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वरना हमारी पूरी भाषा सीखने की मेहनत बर्बाद हो जाती है दिक्कत है कि ज़्यादातर जर्मन सीखने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपनी प्रोनासीेशन पर कैसे काम कर सकते हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं और उसके ऊपर हिंदी स्पीकर्स के लिए जर्मन सीखने के मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलते हैं लेकिन अगर आप ऐसे मटेरियल्स से जर्मन प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हो जो एक्चुअली अमेरिकन या फिर लैटिन अमेरिकन या फिर चाइनीस लोगों के लिए बनाए गए हैं तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है क्यों क्योंकि उनके प्रोनंसिएशन की दिक्कतें आपकी दिक्कतें बहुत अलग हैं क्योंकि वो एक दूसरी भाषा की बैकग्राउंड से हैं जो आपको अपने प्रोनाशिएशन को सुधारने के लिए चाहिए है एक मेथड और एक स्ट्रक्चर जिससे आपको सफलता मिल पाएगी हर मिनट जो आप लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो उससे आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलना चाहिए जैसे अगर आप बैंक में पैसे डालते हो आपको भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मेथड या फिर स्ट्रक्चर नहीं है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे आपके प्रोनाशन को सुधारने के बाद आपकी पूरी जो जर्मन एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल जाएगी आप लोगों के साथ इंटरएक्ट करने में बहुत कामयाब हो जाओगे और आप लोगों को समझ सकते हो और लोग आपको समझ पाएंगे और ये ही चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए ऑफिस में या फिर वर्क में यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट लाइफ में भी तो ये खास मेथड क्या है इसमें क्या है हमें क्या करना है उसको सीखने के लिए इसमें तीन स्टेप्स हैं पहला स्टेप है आपको ये समझना चाहिए कि जो हिंदी वाले साउंड से आपकी हिंदी भाषा में उसके लिए हम जर्मन में क्या लेटर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आपको ये कनेक्शन सीखना चाहिए उदाहरण के लिए हमारा आ है आ देवनागरी अल्फाबेट में और जर्मन में आ है ज़्यादातर कभी कभार आ भी है शॉर्ट आपको ये सीखना है और एक्चुअली हमारा देवनागरी अल्फाबेट उसको सीखने के लिए बहुत बहुत अच्छा है um, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है तो दोबारा हिंदी के ज़रिए सीखना बहुत अच्छा है आपके लिए अगर हम इंग्लिश के ज़रिए सीखते हैं तो एक्चुअली आपको कंफ्यूशन हो जाएगा क्योंकि जो साउंड्स इंग्लिश में अल्फाबेट्स के साथ कनेक्टेड है वो जर्मन से बहुत बिल्कुल अलग है तो एक रिलायबल हिंदी सोर्स से सीखना बहुत अच्छा आइडिया है और फिर दूसरा स्टेप है जर्मन में ऐसे साउंड्स भी है जो आपकी भाषा में हिंदी भाषा में नहीं है तो आपको ये सीखना चाहिए कि आप उसको कैसे निकाल सकते हो और उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए ये स्टेप मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था जब मैं हिंदी सीख रहा था क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे दिखा सकता था कि उन साउंड्स को कैसे सही तरीके निकाल सकते हैं एम तो आपको एक बिल्कुल रिलायबल सोर्स चाहिए जिसको खुद आता है कि हमें ये कैसे निकालना है और जो आपको सिखा सकता है और उसके बाद आपको बिल्कुल प्रैक्टिस 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 करना चाहिए आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इतना करना चाहिए एक्चुअली आपको उस टाइम तक रुकना नहीं चाहिए जब तक आप नेचुरली उन साउंड्स को नहीं निकाल सकते हो और आपको सुनने की प्रैक्टिस भी करना चाहिए ताकि आप साउंड्स के बीच में फ़र्क सुन पाओगे जैसे उ और ü, क्योंकि जर्मन में उनसे पूरा पूरी शब्द का मतलब बदल जाता है और तीसरा स्टेप है कि आपको सीखना है कि जर्मन्स बोलते वक्त अपनी भाषा को कैसे बदलते हैं क्योंकि जो हम जर्मन लिखते हैं और जो हम बोलते हैं उन दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है उदाहरण के लिए जब मैंने हिंदी सीखी उस टाइम मैंने सीखा मैं चल रहा हूँ लेकिन जो लोग बोलते हैं वो है मैं चल रहा हूँ तो शुरू में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और आपके लिए भी ऐसा होगा जर्मन में तो लोगों को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये लेकिन अगर आप आम बोल चाल में नॉर्मल लाइफ में बात करना चाहते हो तो उस टाइम आपको भी बहुत काम आएगा क्योंकि आप एक फ्लो से बहुत आसानी से भी जर्मन में बात कर पाओगे अगर आप किताब के जैसा बात नहीं करोगे लेकिन असली आम बोलचाल के जैसा अगर आप बिगिनर हो या फिर एडवांस लर्नर अगर आप उस पर अभी ध्यान देना शुरू करोगे तो आपकी जर्मन लर्निंग बहुत फास्ट बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे उससे जो टाइम आप जर्मन सीखने में इन्वेस्ट करोगे उससे बहुत बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको और आपको ये भी एहसास होगा कि आपकी पूरी सिचुएशन एस ए जर्मन लर्नर एस ए फॉरनर जर्मनी में कैसे सुधर रही है अगर आप अपनी जर्मन पर काम करना चाहते हो आप उसको सुधारना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मुझे खुद के अनुभव से पता है कि एक दूसरी भाषा का उच्चारण सीखना कितना मुश्किल है खासकर अगर आपको एक तीसरी भाषा के ज़रिए सीखना है इसीलिए मैंने एक ऑनलाइन जर्मन एंड प्रोनाशिएशन हिंदी में बनाया जिसमें आपको ये मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हिंदी के हिसाब से मिल रहा है तो उसको चेकआउट करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और उस कोर्स से आपकी जर्मन स्किल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे और आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि आप और आपकी जर्मन स्किल्स क्या बन सकते हैं तो उसको अभी चेकआउट करना लिंक पर क्लिक करना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार बाय